कर दिया। ओके अभी इसको बंद कर। ठीक है जी। सो सेकंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जो एल्काइल हैलाइड्स प्रेफर करते हैं देना वो है इलिमिनेशन रिएक्शन। कौन से रिएक्शंस? इलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है ना। अकेले सवाल नहीं आता, सवाल हमेशा कंबाइन करके आएगा। तो पिछले वाले से और इस वाले से इस बार भी कंबाइन करके सवाल था। अच्छा, इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। सब्स्टिट्यूशन में हमने ये देखा कि एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है। एल्काइल हैलाइड्स में जो ऑलरेडी प्रेजेंट एक्स न्यूक्लियोफाइल था उसको कोई इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट कर जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। अच्छा, अब क्या करना है हमने? सर, अब न्यूक्लियोफाइल को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, अब न्यूक्लियोफाइल को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, बल्कि न्यूक्लियोफाइल भी रिमूव होगा और साथ साथ में हाइड्रोजन भी रिमूव होगा। साथ साथ में क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन भी रिमूव होगा। तो इलिमिनेशन रिएक्शन में ओके, यहां पे इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां पे लिख लेता हूं। इलिमिनेशन रिएक्शन में, इलिमिनेशन रिएक्शन किसका पढ़ रहे हैं हम? इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स, राइट? इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मोटे मोटे पॉइंट होंगे, वो मैं यहां पर लिख देता हूं स्टार्टिंग में। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट व्हेन एवर एल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद एल्कोहोलिक KOH, एल्कोहोलिक KOH, तो पहली चीज आपका रिएजेंट क्या होना चाहिए? एल्कोहोलिक KOH, इस सबसे इंपॉर्टेंट बात। इफ रिएजेंट इज एल्कोहोलिक KOH एंड सबस्ट्रेट इज एल्काइल हैलाइड, देन इट विल डेफिनेटली अंडरगो इलिमिनेशन रिएक्शन। बट इफ रिएजेंट इज एक्वस KOH, देन इट विल प्रेफर टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, जो हमने कल भी किया था स्टार्टिंग में। पहला ये लिखा हुआ था मैंने NaOH या KOH, लेकिन वो कौन सा था? एक्वस था। अभी कौन सा है? एल्कोहोलिक है। दोनों में अंतर है, इसको ध्यान में रखना। एल्कोहोलिक KOH में इलिमिनेशन होगा। ऐसा क्यों होगा वो भी बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इलिमिनेशन एल्काइल हैलाइड्स में जब भी होगा एल्कोहोलिक KOH की प्रेजेंस में, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। सर, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हैलोजन एज वेल एज हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हैलोजन एज वेल एज हाइड्रोजन, ठीक है। दो चीजें रिमूव होंगी, दैट इज रिमूवल ऑफ हैलोजन एक्स एज वेल एज हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन बीटा से रिमूव होता है। किस पोजिशन से? बीटा वाले पोजीशन से रिमूव होता है। दो आपके पास इलिमिनेशन डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अल्फा इलिमिनेशन भी होता है, बीटा इलिमिनेशन भी होता है, गामा इलिमिनेशन भी होता है। बट जो मेजॉरिटी में इलिमिनेशन होते हैं, जो मेजॉरिटी में फेवर्ड होते हैं इलिमिनेशन, वो आपके पास होते हैं बीटा इलिमिनेशन। तो तीसरा पॉइंट मैं लिख लेता हूं, जो इलिमिनेशन होगा वो कौन से टाइप का होगा? बीटा इलिमिनेशन, ठीक है। और इससे बाहर नेट में नहीं पूछता, अल्फा और गामा टच नहीं करता, बीटा ही बात करेगा। बीटा इलिमिनेशन का मतलब सर हैलोजन तो रिमूव होगा, साथ साथ में हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, और कहां से रिमूव होगा? बीटा पोजीशन से। कहां से रिमूव होगा? बीटा पोजीशन से, ठीक है। एग्जांपल साथ में लगा रहा हूं मैं, ध्यान से देखते रहना। मान लीजिए कुछ इस तरीके से लिख लो मैं, ये लिख लिया मैंने अल्काइल हैलाइड, ये आ गया अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अच्छा, इस अल्काइल हैलाइड को किसके साथ ट्रीट करना है हमने? इसको हमने ट्रीट करना है एल्कोहोलिक KOH, याद रखना। रिएजेंट फिर बता रहा हूं मैं, रिएजेंट तगड़ा है तो सवाल हो गया। अच्छा, एल्कोहोलिक KOH देख लिया, इसका मतलब इसमें होना है इलिमिनेशन, क्या होगा? ठीक है। अच्छा, होना क्या है? ये जो आपके पास हैलोजन प्रेजेंट है सर, ये हैलोजन तो रिमूव होना ही होना है, ये जिधर भी प्रेजेंट है ये रिमूव होना ही होना है। साथ साथ में इस हैलोजन के साथ में बीटा पोजिशन से हाइड्रोजन, बीटा पोजिशन से, अगर एक से ज्यादा बीटा पोजीशन हो तो इसका मतलब यह होगा, अगर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन हो तो इसका मतलब यह होगा एक से ज्यादा प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होगी, एक से ज्यादा प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होगी। अभी मेरे को यह बता दो, यह आ गया हैलोजन। अच्छा, यह हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, दैट इज अल्फा कार्बन, डायरेक्टली जिसके साथ जुड़ा है दैट इज अल्फा कार्बन, और इस अल्फा के नेक्स्ट वाले कार्बन को दिस इज बीटा कार्बन। बताइए कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं आपको बीटा पे? दो, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब बीटा कार्बन एक है, बीटा पोजीशन एक है, बीटा पोजीशन एक है। इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। मैं इसका मान लो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बता दूंगा साथ साथ में, कैसे रिमूव होना है, कौन सा रिमूव होना है, दो इतना डिटेल में टच नहीं करता, बट फिर भी देख लेंगे हम साहर्स प्रोजेक्शन में उसको देख लेंगे। तो ये जो सीएल है सर, ये सीएल रिमूव होना है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, बॉन्ड को लेके भागेगा। अच्छा, जैसे बॉन्ड को लेके भागेगा, बीटा पोजिशन से हाइड्रोजन, बीटा पोजिशन से हाइड्रोजन, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखिए
जैसे सी एच और एक एच को मान लो मैं ऐसे बना देता हूं, ये आ गया ये वाला एच, ठीक है, बीटा पोजिशन था। सीएल तो हट गया, साथ साथ में बीटा पोजिशन से हाइड्रोजन भी हटेगा, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा एच पॉजिटिव के फॉर्म में, या हाइड्राइड लेके नहीं जाएगा, तो ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड कर गया यहां पे शिफ्ट, वैलेंसी तो कंप्लीट चाहिए अपने को, ठीक है। हैलोजन हट गया इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, और बीटा पोजिशन से हाइड्रोजन हटा, और बीटा पोजिशन में जो बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड था वो कहां आके बनेगा, अल्फा और बीटा के बीच में। कुल मिला के जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा हमेशा वो कहां पर होगा, अल्फा और बीटा पोजिशन में, अल्फा और बीटा पोजिशन में। बताइए क्या बचा, दिस इज CH3, यहां पे क्या बचा, CH, एक हाइड्रोजन तो हट गया, ठीक है ना, ये भी हट गया और ये भी हट गया, बताइए यहां पे क्या बन गया, तो यहां पे बन गया डबल बॉन्ड, और साथ में क्या आ गया, CH2। कुल मिला के इलिमिनेशन रिएक्शन से एल्कीन्स का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो तीसरी बात मैं लिख लेता हूं यहां पर, नंबर 4 पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। 22 में सिर्फ डायरेक्ट सवाल इसी पे था, ऐसा पूछा गया था कि बताइए एलिमिनेशन के बारे में कौन सी बातें सही हैं, उनमें तीन बातें लिख रखी थी, तीन बातें, और ऑप्शन डी था ऑल ऑफ दीज, सारी बातें सही थी, ये जो बातें मैं लिख रहा हूँ इन्हीं में से बातें थी, दो तीन पूछी हुई थी, ठीक है। अच्छा, एल्कीन्स का फॉर्मेशन होगा। अब नंबर 5 पॉइंट, ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, अगर ऐसा होता कि एक से ज्यादा बीटा पोजिशन अवेलेबल होता, एक से ज्यादा बीटा कार्बन अवेलेबल होता, और उनपे एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता, मतलब कुल मिला के दो डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन होते, तो उस टाइम पे हमारे पास पॉसिबिलिटी ये होती है कि दो टाइप के डिफरेंट एल्कीन्स बन सकते हैं, उससे ज्यादा भी होते हैं, उससे ज्यादा भी होंगे, हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो उस टाइम पे कौन सा वाला एल्कीन ज्यादा फेवर होगा, या कौन सा वाला एल्कीन बनना चाहेगा, वो डिसाइड करता है सेज़फ रूल। कौन डिसाइड करता है, सेज़फ रूल, या कुछ इसको सेट्ज़फ रूल भी पढ़ते हैं, सेज़फ रूल, या इसी को पढ़ते हैं ज़ेट्ज़फ रूल, ज़ेट्ज़फ रूल, ज़ेट्ज़फ रूल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें जितनी भी बातें हैं, ठीक है। 22 में सवाल था सिर्फ कि एलिमिनेशन के बारे में कौन कौन सी बात सही थी, एक ही ऑप्शन दिया रखा था, दूसरा ऑप्शन ये दे रखा था, और तीसरा ऑप्शन ये दे रखा था, ये तीनों बातें सही थी, तीनों की तीनों बातें से बेसिक से सवाल उठा रखा था, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या क्या चीज जरूरी है, द फर्स्ट वन इज एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक लिख के दे दें या एल्कोहल की जगह पे इथेनॉल बना दे या मिथेनॉल बना दे, बात तो सेम ही है। दूसरी बात, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है, दैट इज रिमूवल ऑफ हेलोजन एज वेल एज हाइड्रोजन। थर्ड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन इज बीटा इलिमिनेशन का मतलब हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा, दैट इज एच फ्रॉम बीटा कार्बन इज रिमूव्ड, ठीक है ना। मैं फिर बता रहा हूँ, अल्फा भी होते हैं और गामा भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी में बीटा होते हैं, और एनसीईआरटी बीटा ही डिस्कस करता है, तो हम भी बीटा ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बनेगा क्या, एलिमिनेशन के बाद क्या बनेगा, एल्कीन्स बनेगा। तो आपको प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए पहले से क्या बनना है, और कौन सा जो रूल है ये डिसाइड करेगा कि कौन सा वाला एल्कीन बनेगा, दैट इज सेट्ज़फ रूल या ज़ेट्ज़फ रूल, या इसको सेज़फ भी पढ़ते हैं, सेज़फ रूल या ज़ेट्ज़फ रूल, सेज़फ रूल या ज़ेट्ज़फ रूल डिसाइड करेगा कि जो एल्कीन बनेगा वो कौन से टाइप का एल्कीन बनेगा, अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हुए, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हुए तो फिर ये डिसाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, कैसे डिसाइड करेगा इसको भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल यहां पे मैं लगा लेता हूं, एक और एग्जांपल कुछ इस तरीके से, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, बताइए सबस्ट्रेट का नाम, दिस इज 2-क्लोरोब्यूटेन, राइट, दिस इज 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, इस 2-क्लोरोब्यूटेन को मैं रिएक्ट कर देता हूं, इसको मैं रिएजेंट के साथ ट्रीट कर देता हूं, और रिएजेंट ले लेता हूं मैं, मान लीजिए MeOH एंड KOH। बताइए क्या दिख रहा है आपको, अगर KOH खाली अकेला होता, अगर KOH अकेला होता तो होता सब्स्टिट्यूशन, क्या होता, लेकिन अगर साथ में अल्कोहल हो, साथ में क्या हो, तो होगा इलिमिनेशन, होगा क्या, इसका मतलब यह होता है कि सर सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन में कंपटीशन होता है, ये कौन जीतेगा, ये बहुत जबरदस्त बात है, एनसीईआरटी ने इसको पूरी कहानी लिख रखी है कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में कौन जीतता है, थोड़ी देर बाद में बता दूंगा आपको कि कैसे होगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो एल्कोहलिक KOH है ना, जब हम एक्वस KOH लेंगे, देखिए जब हम एक्वस KOH ले लेंगे सर, एक्वस KOH में जनरेट होने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है OH नेगेटिव, वेरी सिंपल, ठीक है। जब आप एक्वस KOH लोगे, कौन सा लोगे, एक्वस KOH, एक्वस KOH में जनरेट होगा न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, ठीक है। लेकिन जब हम कौन सा लेंगे, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक सर, एल्कोहलिक KOH में OH नेगेटिव जनरेट नहीं होता, इसको याद रखना, एल्कोहलिक KOH में OH नेगेटिव जनरेट नहीं होता, इसमें जनरेट होता है OR नेगेटिव, अल्कोक्साइड आयन, इसमें जनरेट होता है हाइड्रोक्साइड आयन,
इसमें जनरेट होता है हाइड्रोक्साइड आयन और इसमें जनरेट होता है अल्कोक्साइड आयन। क्या जनरेट होगा? अल्कोक्साइड आयन जनरेट होगा, याद रखना अल्कोक्साइड जनरेट होगा। पर्टिकुलरली किसमें? अल्कोहलिक KOH में, अल्कोहलिक KOH में अल्कोक्साइड जनरेट होगा। अच्छा, ये जो अल्कोक्साइड जनरेट होगा सर, ये अल्कोक्साइड प्रेफर नहीं करता न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना, ये बेस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? दोनों में अंतर होता है, दोनों आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो। ये बेस की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। अंतर नहीं है दोनों में, न्यूक्लियोफाइल दोनों है, ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ध्यान देना, ये बेस की तरह बिहेव करता है सर। जब ये बेस की तरह बिहेव करता है तो ये क्या करता है? ये चाहता है कि मैं एसिडिक प्रोटॉन को खींचूं, मैं प्रोटॉन को खींचूं। जब बेस की तरह बिहेव करेगा तो प्रोटॉन को खींचेगा, जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो कार्बन पे अटैक करेगा। इसको ध्यान में रखना, जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा, अटैक ऑन कार्बन, कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है ना। ये किस पे अटैक करना चाहेगा? कार्बन पे अटैक करना चाहेगा। इस वाले को बंद करना, उस वाले को बंद करना, ये कार्बन पे अटैक करना चाहेगा। और जब ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ये किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा? ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को, इट एब्स्ट्रैक्ट, मैं ऐसा लिख लेता हूं, बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कुल मिला के कुछ भी नहीं ध्यान में रखना, बस ये पॉइंट ध्यान में रखना, क्योंकि कहानी तो पूछेगा नहीं आपको, थ्योरी में तो पूछेगा नहीं कि क्यों ऐसा हुआ, इसने क्यों एलिमिनेशन किया और इसने क्यों सब्स्टिट्यूशन किया, वो चीज नहीं पूछेगा, थ्योरी वाला पार्ट है नहीं। आपको सिर्फ ये रिएजेंट ध्यान में रखना है कि काम क्या करेगा। अगर अल्कोहल दे रखा है, चाहे वो इथेनॉल है या मिथेनॉल है, मोस्टली इथेनॉल ही लिखता है, और साथ में KOH दे रखा है, साथ में क्या दे रखा है? KOH, तो क्या होना है? एलिमिनेशन होना है, इतना ध्यान में रखना। क्या होगा? एलिमिनेशन होगा, ठीक है। अब बताइए, अगर एलिमिनेशन होगा सर, ये तो हटना ही है, हैलोजन तो हटना ही हटना है, ठीक है। मैं हैलोजन को हटा देता हूं, ये हैलोजन हटेगा। अब इसके बाद हाइड्रोजन हटना है बीटा से, हाइड्रोजन कहां से हटेगा? अब मेरे को बताइए बीटा कहां पे है? सर जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, दैट इज अल्फा, एंड द नेक्स्ट वन इज, सो दिस इज आल्सो बीटा एंड दिस इज आल्सो बीटा। मैक्सिमम बीटा तीन हो सकते हैं, मैक्सिमम बीटा कितने? तीन, मैक्सिमम तीन, क्योंकि ऐसा हो सकता था यहां पे हाइड्रोजन हटा के एक और लगा देता मिथिल ग्रुप, तो वो भी बीटा हो जाता। मैक्सिमम बीटा तीन, मैक्सिमम बीटा और मिनिमम एक, मिनिमम एक, या मिनिमम एक हो जाएगा, या हो सकता ना भी हो अगर हाईली सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम हो। अच्छा, अब यहां से भी हाइड्रोजन हटेगा और यहां से भी हट सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब मेरे को ये बता दो, ये तो ध्यान में रखना कि हमेशा जब बीटा एलिमिनेशन होगा, बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? अल्फा और बीटा के बीच में, इतना तो सीधा डायरेक्ट याद रख लो, अल्फा और बीटा के बीच में बनना है। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटाता, यहां से हाइड्रोजन हटाता, ठीक है, ऐसा मान के चलो, इसको मैं लिखता हूं टू और इसको लिखता हूं मैं वन, दोनों तरीके से बता देता हूं, ठीक है। मान लो पहले मैं टू लिख लेता हूं, अगर दूसरे सेंटर से हाइड्रोजन हटता तो बताइए क्या कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनता? ये यहीं पे रहता, ठीक है। अगर यहां से हाइड्रोजन हटता तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाता सर, फिर डबल बॉन्ड आता यहां पे, एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी ये। अब बताइए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर नंबर वन पोजीशन से मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर देता, फिर बताइए फिर क्या होगा? सर अगर यहां से रिमूव कर देता, ये तो रिमूव होना ही होना है, साथ में यहां से हाइड्रोजन रिमूव होता तो बॉन्ड कहां पे आता? अल्फा और बीटा के बीच में, ठीक है। क्या कुछ इस तरीके से बनता उस टाइम पे? ये और यहां पे आ जाता डबल बॉन्ड। ये दो पॉसिबिलिटीज, देख के पॉसिबिलिटी बता दोगे आपको, जहां पे भी हैलोजन दिखा, हैलोजन को हटाओ, उसके लेफ्ट साइड पे भी बॉन्ड बनाओ, उसके राइट साइड पे भी बॉन्ड बनाओ। हाँ, अगर तीसरी साइड भी जुड़ रखा है तो ऊपर वाली साइड भी बॉन्ड बना लो, या मान लो निचले वाली साइड जुड़ रखा है तो निचले वाली साइड बॉन्ड बना लो। बस जहां पे हैलोजन है, जिस कार्बन पे हैलोजन है, उस हैलोजन को हटाओ, उसी कार्बन के अगल बगल वाली दोनों साइड बॉन्ड बना लो, देख लो फिर स्टेबल कौन सा। अब बताइए, एक पॉसिबिलिटी ये, एक पॉसिबिलिटी ये, और हमेशा एंडो वाला बॉन्ड ज्यादा स्टेबल, ठीक है ना। अब देखिए कैसे होगा, अब इस वाले में से और इस वाले में से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ये बताता है Zetsev रूल। कौन बताता है? Zetsev रूल बताता है कि इन दोनों में से ज्यादा मेजर कौन होगा। Zetsev ये बोलता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, इज द मेजर प्रोडक्ट, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, जिस एल्कीन में सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा वो मेजर होगा। अब कभी कभार क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आता, कभी कभार सब्स्टिट्यूशन देख के समझ में नहीं आता, ठीक है। जैसे मान लो आपको क्या करना है, इस पूरे रूल का, इस पूरे रूल का एक और बेसिक प्रिंसिपल है, और वो ये है कि आप कुछ नहीं करो, आप हाइपर कंजुगेशन लगा लो। क्या लगा लो? हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि एल्कीन्स में हाइपर कंजुगेशन होता ही होता है, एल्कीन को स्टेबलाइज करता है हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कुल मिला के जो एल्कीन बनाया है
और सिंपल कर रहा हूं मैं, जो एल्कीन बनाया है उस एल्कीन में देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना स्टेबल। तो पहले तो मैं इसके हिसाब से चलता हूं कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन था। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ऐसा एल्कीन जिसके इस साइड भी अच्छे खासे कार्बन एटम हो और इस साइड भी अच्छे खासे कार्बन एटम हो, ठीक है। बताइए इस वाले पे, मुझे ये बताइए ये जो एल्कीन मैंने बनाया था, क्या इस एल्कीन में ये जो कार्बन एटम है एल्कीन के, क्या इसके राइट साइड पे कोई कार्बन एटम है? नहीं, सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एक साइड है, सिर्फ लेफ्ट साइड पे है। अच्छा, चेन कितना लंबा उससे फर्क नहीं पड़ता, चेन कितना लंबा है उससे फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन किस में है उससे फर्क पड़ता है। मेरे को ये बताइए इस एल्कीन में ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, राइट साइड पे भी एक मिथिल ग्रुप है और लेफ्ट साइड पे भी एक मिथिल ग्रुप है, ये है हाईली सब्स्टिट्यूटेड। चलो अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम अल्फा हाइड्रोजन लिख लेते हैं। तो बताइए ये जो एल्कीन है, एल्कीन के कार्बन ध्यान में रखना, जो एल्कीन के कार्बन एटम्स थे जिन पे डबल बॉन्ड बन रखा था उनके साथ में जुड़े हुए डायरेक्टली कार्बन होते हैं अल्फा कार्बन। तो बताओ कौन कौन सा अल्फा? सर एक अल्फा ये और एक अल्फा, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा यहां पे अल्फा कौन सा? ये एल्कीन के साथ में डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, सिर्फ यही अल्फा है, ठीक है। बताइए इधर अल्फा कार्बन ये, इस पे कितने हाइड्रोजन है? दिस इज CH3, तीन हाइड्रोजन इधर, तीन हाइड्रोजन इधर, कितने हो गए? छह अल्फा हाइड्रोजन यहां पे हो गए, छह अल्फा हाइड्रोजन यहां पे। बता दो सर अल्फा तो सिर्फ यही था, अब इसने भी पहले से दो बॉन्ड बना रखे हैं तो दो ही हाइड्रोजन होंगे यहां पे, कितने होंगे? दो। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? दो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाला मोर स्टेबल, ये वाला लेस स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही बनना चाहेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही बनना चाहेगा। तो ये वाला क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट, या इसको हम बोल देते हैं जेड सब प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड जेड सब प्रोडक्ट, दिस इज जेड सब प्रोडक्ट, ठीक है ना। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है इसको हॉफमैन्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। चलिए वो अलग रूल में बता देता हूं मैं, अब इसको माइनर लिख लीजिए सिंपली, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, दिस इज माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट होगा माइनर, ये प्रोडक्ट कैसा होगा? माइनर होगा, ठीक है। देख के करना बहुत सिंपल है, इजिली कर सकते हो। जहां पे भी हैलोजन दिखा और एल्कोहलिक क्यूएच दिखा, इसे भारी नहीं करेगा। इस बार भी नीट में था, उसने सीधा एल्कोहलिक क्यूएच लिख के दिया था, कुछ भी टफ नहीं किया था, सीधा एल्कोहलिक क्यूएच लिख के दे दिया था। तो एल्कोहलिक क्यूएच का काम क्या है? एल्कोहलिक केवच का काम है बीटा एलिमिनेशन करवाना। कौन सा एलिमिनेशन करवाना? बीटा एलिमिनेशन करवाना, ठीक है। कुछ नहीं करना, जहां पे हेलोजन दिख रहा है सर, उस जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा होगा दैट इज अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाले जो कार्बन होंगे दैट इज बीटा। हेलोजन को हटा के जितने भी बीटा है सबके साथ बॉन्ड बिठा दो, फिर देखो कौन सा ज्यादा स्टेबल बन रहा है, फिर देखेंगे कौन सा ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो किस रूल के अकॉर्डिंग एल्कीन्स का स्टेबिलिटी या एलिमिनेशन रिएक्शंस का प्रोडक्ट प्रेडिक्ट किया जाता है? जेट्सोफ रूल के अकॉर्डिंग। और जेट्सोफ क्या बोलता है? जो एल्कीन हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा, वही ज्यादा क्वांटिटी में बनना चाहेगा, उसी का ज्यादा यील्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये लिख रखा है, ये वाला मिटा दूं, ये लिखा, ठीक है, इस साइड वाला मिटा देता हूं। ये पॉइंट्स तो लिख रखे ना, चार पांच पॉइंट्स, ठीक है। तब तक मैं सवाल दे देता हूँ, जिसने कर लिया वो लिख सकता है। ठीक है, बस एक ध्यान रखना, अगली चीज पढ़ोगे तो पिछली चीज भूलना मत। जब अगली चीज पढ़ेंगे ना जो चल रहा है रिलेशन सब्स्टिट्यूशन, भूलना मत, क्योंकि मैं जब भी सवाल बनाऊंगा मैं पिछले वाले को ध्यान में रखते हुए बनाऊंगा, वो भी साथ साथ में चीजें आ जाएंगे, ठीक है। बताइए ये देख के प्रोडक्ट बना लेना, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एल्कोहलिक क्यूएच लगा रखा है, आपको पता है कौन सा एलिमिनेशन होना है? बीटा एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन, ठीक है ना। दो अगर इसके डिटेल में जाओगे ना, ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी बिल्कुल उन्हीं मैकेनिज्म्स पे काम करते हैं जिन मैकेनिज्म्स पे आपका सब्स्टिट्यूशन काम करता है। सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2, एलिमिनेशन इज आल्सो E1 and E2। E1 and 2, इसमें एक स्पेशल कैटेगरी और मिलता है जिसको E1C भी बोलते हैं, बट वो NCERT ने टच नहीं किया उस पार्ट को, वो कंजुगेट बेस वाला मैकेनिज्म NCERT ने टच नहीं किया है, ठीक है। तो उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि नीट में उससे सवाल आएगा नहीं, पढ़ के क्या ही करेंगे, ठीक है। और E1 और E2 पे भी एज सच डायरेक्ट सवाल नहीं करता है, सवाल बीटा एलिमिनेशन पे। दो मेजोरिटी में E2 के थ्रू जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं? E2 के थ्रू। E2 का मतलब सेम कहानी वही, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू, किसके थ्रू? कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू, सॉरी कार्बोकेटाइन बता रहा हूं, E2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, E1 में। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, SN2 में कंसर्टेड मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप में खत्म हो जाती है रिएक्शन, ठीक है ना। सिमिलरली E2 भी वैसा ही है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन खत्म हो जाती है, ठीक है। बताइए कुछ नहीं करना, आपको एल्कोहलिक क्यूएच लगा रखा है सर, जहां पे हैलोजन प्रेजेंट है ये तो हटना ही हटना है, साथ में इसके बगल वाले जो कार्बन है वो बीटा, एक बीटा ये और एक बीटा ये, यही है।
और जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है वो कौन सा? अल्फा। अब कुछ भी नहीं करेंगे, दोनों बना देंगे, देखिए बताइए कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हैलोजन हट गया, यहाँ पे मिथिल ग्रुप ऐसे ही, ठीक है सर। एक बार तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, एक ये प्रोडक्ट, दूसरी बार बताइए एंड, दूसरा बताइए कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मिथिल ग्रुप ऐसे ही और डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, सही है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा अब हम देखेंगे कि इनमें से हाईली सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है। सर हाईली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में कितने ज्यादा ग्रुप लगे हैं, कितने ज्यादा चेन्स और हैं, ठीक है। देखने में तो पहले ही लग रहा है, बट हम और तरीके से कंफर्म कर लेते हैं हाइपर कंजुगेशन लगा के, हमेशा लगाना, कभी कंफ्यूजन ना हो तो हमेशा लगा लेना, ठीक है। बताइए ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला, और इसके साथ में जो डायरेक्टली जुड़े होंगे वो अल्फा कार्बन, ये प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं एल्किन्स की तुलना में, तो एक अल्फा ये आया, सही है, एक अल्फा ये और एक अल्फा ये, ठीक है ना, तीन अल्फा आ गए, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन अल्फा कार्बन थे, ठीक है। बताइए इधर कितने हाइड्रोजन, तीन, इधर कितने हाइड्रोजन, दो, इधर भी कितने हाइड्रोजन, दो, कितने हो गए, सेवन, तो हो गए सात अल्फा हाइड्रोजन, कितने हो गए, सात अल्फा हाइड्रोजन। इधर आ जाओ, ये आ गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सही है, इसके साथ में जुड़े हुए कार्बन होंगे अल्फा, तो बताइए इसको छोड़ के, इन कार्बन को छोड़ के साथ में जो जुड़े हैं वो अल्फा है, एक अल्फा ये है और एक अल्फा दो ही है, इसके अलावा तो नहीं है अल्फा, डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। बताइए कितने हाइड्रोजन यहाँ पे, दो, इधर कितना हाइड्रोजन, एक, 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 तीन बॉन्ड इसने ऑलरेडी बना रखे, एक हाइड्रोजन, कितने हो गए, तीन अल्फा। बताइए किस में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, ऊपर वाले में, ठीक है, ऊपर वाला मेजर होगा, ऊपर वाला मेजर होगा, ठीक। सो दिस इज जेड सब प्रोडक्ट, दिस इज जेड सब प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, एंड दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट, दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट, बहुत सिंपल, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा प्रेडिक्शन, डायरेक्ट सवाल नहीं देगा इस पे, जैसे इस बार दिया था वैसे ही सवाल करेगा, एक पूरा सीक्वेंस में करेगा, बीच में कहीं बना देगा, एलिमिनेशन बीच में लगवा देगा और इजी करेगा, तो टफ नहीं करेगा, ठीक है ना, इजी करेगा उतना टफ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हम बेटा एलिमिनेशन में, तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा, जेड सब रूल क्या बोलता है, जो हाईली सब्स्टिट्यूट, हर चीज को ध्यान में रखना, ऐसा जरूरी नहीं रिएक्शन इसी हिसाब से है, हो सकता है कुछ थ्योरी में सवाल पूछ ले कि बताइए इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं, इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट्स गलत हैं, कुछ भी पूछ सकता है सर, डायरेक्टली थोड़ी ना है कि सवाल इसी पे आ जाए, एनसीईआरटी पे है तो कुछ भी पूछ सकता है, थ्योरेटिकल भी सवाल बन सकता है कि कौन से स्टेटमेंट सही है या कौन से स्टेटमेंट गलत है, ये बता दीजिए, ठीक है। अच्छा अब मान के चलो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मिटा दूंगा, लिख लिया, एक सवाल इसी पे बना लेता हूँ मैं, सेम बताइएगा प्रोडक्ट बना के, उसके बाद मैं थोड़ा आइसोमर्स की बात करूंगा इस पे, क्योंकि इस पे आइसोमर्स बन सकते हैं, आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी दे सकता है, बताइए कैसे दे सकता है, एक बहुत फेमस टाइप के आइसोमर्स जो आप एल्कीन में पढ़ते हो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, सिसोट्रांस होते हैं ना, सिसोट्रांस, जिनको मैंने ई और जेड के टर्म्स में भी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो हो सकता है उस पर भी सवाल कर ले कि बताइए जी कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, ये बता दीजिए देखते हुए, ठीक है। तो मान के चलो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, फिलहाल तो प्रोडक्ट ही बना लेना, ठीक है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, IUPAC नेम लिखना, मैं सबस्ट्रेट दे रहा हूँ, एलिमिनेशन करवा रहा हूँ, आप IUPAC नेम लिखिएगा मेजर प्रोडक्ट का, मैं जो भी रिएजेंट लिख रहा हूँ ना ध्यान में रखना सारे के सारे, सब खेल रिएजेंट्स का है, ये तो आपको भी पता है अल्काइल हैलाइड है, सब खेल इन रिएजेंट्स का है, ठीक है। रिएजेंट समझ में आ गया रिएक्शन हो गया, रिएजेंट समझ में नहीं आया रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट का नाम लिखना है आपको, मेजर, अच्छा बना लो मेजर प्रोडक्ट, सिर्फ आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब बताइए पहले रिएक्शन कौन सा होगा, ऑफकोर्स एलिमिनेशन, कैसे देख लिया आपने एलिमिनेशन होगा, सर पहली बात तो आपने अल्कोहल देखा, दिस इज इथेनॉल, सही है ना, इथेनॉल आ गया अल्कोहल, ठीक है, ये अल्कोहल, और ये क्या है, अब बोलोगे सर अभी तक तो KH चल रहा था, अभी तक तो KOH चल रहा था ना, अभी तक तो KOH चल रहा था, ये बीच में क्या आ गया। अब मैंने आपको ये कहा कि जब भी आप एल्कोहलिक KOH लोगे सर, एल्कोहलिक KOH में जनरेट होगा OR नेगेटिव, याद रखना ये होगा ना जनरेट, OH नेगेटिव जनरेट, OR नेगेटिव जनरेट होगा। तो मैंने क्या कर दिया, उस OR नेगेटिव को डायरेक्टली बना लिया, बताइए इस NaOET से क्या जनरेट होगा, अगर इसको मैं तोड़ूं ये दे देगा Na पॉजिटिव प्लस OET नेगेटिव, सर ये वही तो है OR नेगेटिव, और साथ में मीडिया भी दे रखा है अल्कोहलिक मीडिया है, साथ में मीडिया भी लिख रखा है अल्कोहलिक मीडिया, ये रिएजेंट ध्यान में रखना, ये भी अगर ये खाली होता कहानी कुछ और होती, अगर ये खाली होता अल्कोहल ना लिखता,
अगर मैं अल्कोहल ना लिखता, ये मैंने करवाया भी पीछे, अगर मैं इसको लिखता सर बताइए क्या होता, विलियमसन सिंथेसिस, राइट और रॉन्ग? आप किसके साथ ट्रीट कर रहे हो? सोडियम अल्कोक्साइड्स के साथ। इसके साथ ट्रीट कर दूं, आर ओ आर बनता। क्या बनता? आर ओ आर बनता। देखो ना, एन ए हटता बी आर के साथ और ये जुड़ के इधर चला जाता, ईथर्स बन जाते। क्या बन जाते? लेकिन अभी क्या ले रखा साथ में? अल्कोहल। सर अल्कोहल ले लिया, कंपटीशन आ गया बीच में और अब जीतेगा इलिमिनेशन। तो यहां पे होगा बेटा इलिमिनेशन। क्या हो जाएगा? बेटा इलिमिनेशन होगा। ठीक है, ये तो तुरंत देख के ही बता सकते हो। मुझे बताइए देख के कैसे बता सकते हो? ये बीआर जुड़ रखा है सर, इस बीआर को हटाऊंगा, या तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, या तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, या तो डबल बॉन्ड इधर आएगा। बताइए, तीन ही तो पॉसिबिलिटीज है नहीं है? ठीक है ना, इसको मैं हटा दूं, इस बॉन्ड को हटा दूं, या तो डबल बॉन्ड राइट पे अल्फा और बीटा के बीच में, या डबल बॉन्ड यहां पे अल्फा और बीटा के बीच में, या डबल बॉन्ड यहां पे अल्फा और बीटा के बीच में। ठीक है, बताइए तीनों प्रोडक्ट एक साथ बना लेता हूं मैं, एक तो ऐसा बनेगा। लेकिन बीआर को हटाना भी, ऐसा ना कंफ्यूजन में बीआर को हटाओ ही ना। ठीक है ना, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है, ये भी हटेगा और हाइड्रोजन भी हटेगा बीटा पोजिशन से। ठीक है, तो बताइए एक प्रोडक्ट तो कुछ इस तरीके से बन सकता है, एक ये सही है ना, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। दूसरा बता दीजिए, दूसरा कैसा बन सकता है? कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये सेम जैसा था वैसा ही, ये जैसा था वैसा ही। ठीक है, डबल बॉन्ड यहां पे लगा लो। ठीक है, ये दूसरा पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये, दूसरा पॉसिबिलिटी ये। ठीक है, बताइए तीसरा पॉसिबिलिटी कैसे हो सकता है? लेफ्ट साइड में बन जाए ये और डबल बॉन्ड आ जाए यहां पर, सही यही बनेगा ना, देख के बता सकता है बंदा, ये सही बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि इनमें से मेजर कौन सा होगा। और हम मेजर कैसे देखेंगे सर? एक तो है कि डायरेक्टली देख लेंगे हाईली सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, ना समझ में आ जाए, अंतर ना कर पाए तो क्या कर लेंगे? हाइपर कंजुगेशन देख लेंगे। और हाइपर कंजुगेशन कैसे देखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन देख लेंगे। ठीक है, बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन? एल्कीन वाले कार्बन को छोड़ के जो डायरेक्टली कार्बन है वो अल्फा। ठीक है, तो बताओ अल्फा कौन सा? एक ये, दोनों साइड देखना, इस डबली बॉन्डेड के साथ दोनों साइड, ये अल्फा, ये भी और ये भी है ना, चार अल्फा। ठीक है, बताइए कितने हाइड्रोजन? तीन, दो पांच, दो सात और दो नौ। कितने अल्फा हाइड्रोजन? नौ अल्फा हाइड्रोजन, नाइन अल्फा हाइड्रोजन, राइट और रॉन्ग? नाइन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इधर आ जाओ, जरा गिन के बता दो जल्दी से। ये डबली बॉन्डेड, इधर तो कुछ भी नहीं है, इस साइड एक ये लग रखा है डायरेक्टली, एक ये लग रखा है डायरेक्टली, दो ही अल्फा है। इधर कितने? दो। इधर कितना? एक। कितने अल्फा हाइड्रोजन? तीन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बताओ इसके साथ में एक ये लग रखा है, एक ये वाला, कितने हो गए? दो और एक ये हो गया, कितने हो गए? तीन। बताइए तीन यहां पे, तीन यहां पे, छे, छे और एक यहां पे, कितने हो गए? सात। ठीक है ना, सात अल्फा हाइड्रोजन, सात अल्फा हाइड्रोजन। बताइए कौन सा मेजर होगा? ये पहला वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। और ये दिख भी रहा है, दिख भी रहा है मेजर कैसे होगा। देखो ना, जो सब्स्टिट्यूशन है ना, सब इस साइड और इस साइड। अच्छा, अगर इसका आप नाम लिखना चाह रहे हो, मान लीजिए सब्स्ट्रेट का आप नाम लिखना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? एक तो अंडरस्टूड बात है कि एल्कीन को हमें नंबर में लाना पड़ेगा। ठीक है ना, एल्कीन को नंबर में लाना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं थोड़ा कंस्ट्रक्ट, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन और यहाँ पे आपका साइक्लो ब्यूटाइन बन रखा है। ठीक है, बताओ नंबरिंग कहाँ से करूँ मैं, जरा बता दो नंबरिंग कहाँ से करूँ मैं। ठीक है, देखो आप क्या करोगे, इसको नंबर करने से रहा, ये नंबर नहीं हो पाएगा, काहे को यहाँ पे साइक्लिक है ना, नंबर खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, नंबर यहीं से करेंगे, इसको साइड में रखेंगे, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर। ठीक है, अब ये जो पूरा है ना आपका, ये पूरा का पूरा साइड ग्रुप रहेगा, ये पूरा का पूरा साइड ग्रुप रहेगा। ठीक है, अब बताओ ये है क्या? ये है साइक्लो ब्यूट था ना, लेकिन डबल बॉन्ड भी तो है, साइक्लो ब्यूटिनाइल, साइक्लो ब्यूटिनाइल, टू पे है साइक्लो ब्यूटिनाइल, टू पे है साइक्लो ब्यूटिनाइल और फिर आएगा ब्यूटेन, टू साइक्लो ब्यूटिनाइल ब्यूटेन, टू साइक्लो ब्यूटिनाइल ब्यूटेन इसका नाम बन जाएगा। ठीक है ना, टू साइक्लो ब्यूटिनाइल, डबल बॉन्ड भी था साथ में। ठीक है, तो फिर साथ में आ जाएगा ब्यूटेन, साथ में क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। ये बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ये कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। इसी को हम क्या बोल देंगे? जेट्स ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोल देंगे? जेट्स ऑफ प्रोडक्ट या सेज ऑफ प्रोडक्ट। और ये आ जाएंगे आपके माइनर प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये रिएजेंट याद रखना, इस चीज को इतना टफ नहीं करेगा, देता सिंपल है, बस ये पता होना चाहिए ये क्या काम कर रहा है। अगर इसका पता है ना, सवाल हो गया, इसका नहीं पता है, सवाल नहीं हो पाएगा, इसका नहीं पता चला तो सवाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बता देना, नेक्स्ट दे दूं फिर मैं। स्टार्टिंग वाला मिटा दूं, स्टार्टिंग वाला लिख रखा है,
कीजिएगा आइडेंटिफाई ए एंड बी, ओके गुड क्वेश्चन, ठीक है बताइए ए और बी को आइडेंटिफाई करके बताइए, ए और बी को आइडेंटिफाई करके बता दीजिए, मिटा दूं मैं, ठीक है ए और बी को आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। कभी कभार मान लो सवाल को थोड़ा और टफ करना चाहे तो फिर ये जो ए और बी बनेगा ना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो पहले आपको बनाना पड़ेगा उसके बाद इन्फॉर्मेशन को देखना पड़ेगा, ठीक है। बट उतना टफ नीट में नहीं करता है, तो बताइए ए और बी क्या बनेगा, जल्दी से बना के बताइएगा, ठीक है। शाबाश, ऑब्वियसली है ना, ठीक है बना लीजिए डायरेक्टली प्रोडक्ट, ठीक है। पहले वाले में दे रखा है एक्वस केओएच, तो बताइए एक्वस केओएच दे रखा है तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। पहले वाले में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैं लिख लेता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा वो भी कौन से टाइप का, कौन सा सब्स्टिट्यूशन, SN1 या SN2, OH नेगेटिव SN2, वाटर होता तो SN1, ठीक है ना, कौन सा आ जाएगा SN2, और इसको कंपीट करने में आएगा यहाँ पे E2, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, कैसे पहचान लिया आपने यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, अल्कोहलिक क्यूएच दे रखा था, तो बताइए ऊपर वाले में सिंपली सब्स्टिट्यूशन होगा, सर ये BR हटेगा और BR की जगह पे क्या आएगा, OH, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनना है कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे और यहाँ पे आ गया OH, सिंपली, ठीक है, नाम मत गलत करना, ठीक है ना। कार्बन का गिनती यहीं से स्टार्ट है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज प्रोपेन 1 ओल, दिस इज प्रोपेनोल, राइट, दिस इज प्रोपेनोल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एलिमिनेशन, सर अगर यहाँ पे एलिमिनेशन होगा तो BR तो हटेगा ही हटेगा, साथ में किस पोजीशन से, बीटा पोजीशन से, जहां ये जुड़ रखा है वो अल्फा पोजीशन, उसके नेक्स्ट वाला बीटा पोजीशन, ये हटेगा, देखिएगा ये इस तरीके से ये रिमूव हो गया, ये बीटा वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा आपके पास, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, राइट, दिस इज सिंपली प्रोपीन, राइट, दिस इज सिंपली प्रोपीन, दिस इज सिंपली प्रोपीन, ये क्या होगा, ये प्रोपीन बनेगा, क्या बन जाएगा, प्रोपीन बनेगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा, इसमें थोड़ा सा मैं इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ कि कहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होता है। हाइड्रोजन तो एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट होते हैं बीटा पे, वहाँ पे भी दो प्रेजेंट थे, बट कौन सा वाला हाइड्रोजन पर्टिकुलरली रिमूव होता है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, साहर्स प्रोजेक्शन में, ये वाले में, ठीक है। बेसिकली ये जो मैकेनिज्म है ना, जिस हिसाब से आपका सब्स्टिट्यूशन होता है ना, उसी हिसाब से एलिमिनेशन भी होता है। मतलब मान लो जो SN1 दे रहा है ना वो E2 के थ्रू जाएगा, और जो SN1 दे रहा था वो E1 के थ्रू जाएगा, जो SN2 दे रहा था वो E2 के थ्रू जाएगा, ठीक है। बट डायरेक्टली ऐसा चीज़ पे सवाल नहीं आता, ये JEE पे आता है, E1 और E2 पे डायरेक्टली नीट में सवाल नहीं आता, ना ही इससे पहले कर रखा, हाँ बीटा पे करता है, क्योंकि इनको डायरेक्टली NCERT ने डिस्कस नहीं किया, E1 और E2 टाइप या E1CB को डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। अब देखिएगा मैं बात कर लेता हूँ कि कौन सा वाला हाइड्रोजन पर्टिकुलरली रिमूव होता है, इसको सुनना आप, ठीक है, इसको सुनना, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि जब आप 11th पढ़ोगे तो 11th पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस पढ़ते हो, साहर्स प्रोजेक्शन पढ़ते हो, फिशर प्रोजेक्शंस पढ़ते हो, जिसमें आप बायोमोलिक्यूल्स भी बनाते हो, ठीक है ना, उसके बाद न्यूमान्स प्रोजेक्शन पढ़ते हो, तो न्यूमान्स प्रोजेक्शन के टर्म्स में बात करता हूँ मैं, ठीक है, सिंपल, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा न्यूमान्स प्रोजेक्शन के टर्म्स में। मान लो मैं एक सबस्ट्रेट लिख लेता हूँ, लेट अस सपोज ये लिख दिया मैंने, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से मैंने एक सबस्ट्रेट लिख रखा है, ठीक है, और इसको मैं किसके साथ ट्रीट कर रहा हूँ, अल्कोहलिक केओएच के साथ ट्रीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अल्कोहलिक केओएच के साथ मैंने ट्रीट कर दिया। बनना क्या है सर, होना तो बीटा एलिमिनेशन है। अच्छा बीटा एलिमिनेशन दो होगा, अब आपको पता है बीटा कार्बन आपके पास दो है, बताइए ये भी बीटा और ये वाला भी बीटा है, ठीक है, दो बीटा आपके पास प्रेजेंट है। अच्छा कौन से वाले बीटा से रिमूव हो
हाइड्रोजन, ये आपको पता है, ये आपको पता है सर, इस वाले से रिमूव होगा तो माइनर बनेगा, इस वाले से रिमूव होगा तो मेजर बनेगा, ठीक है ना। जितना डबल बॉन्ड के दोनों साइड सब्स्टिट्यूशन हो वो मेजर बनेगा, ठीक है। अब इसको मैं लगा रहा हूं न्यूमान्स प्रोजेक्शन पे, जरा देखना मैं इसको कैसे बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहीं पे न्यूमान्स प्रोजेक्शन जो 11th में पढ़ते हो ना, सेम सेम चीजें साथ में आएंगी। जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन और उसके लेफ्ट वाला कार्बन जो मेजर बनाने वाला है, ठीक है, सिर्फ उन दोनों को पकड़ लो। ये पकड़ लिया हमने दोनों कार्बन, ठीक है। कौन सा वाला कार्बन? एक वो जिस पे हेलोजन जुड़ा है और दूसरा वो जो जहां से बीटा रिमूव होगा, जहां से बीटा रिमूव होगा, लेकिन मैं मेजर वाले की बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है, जहां से बीटा रिमूव होगा। अच्छा, इधर कितने हाइड्रोजन थे? दो, लेकिन रिमूव कितना होना है? एक। अब इन दोनों में से कौन सा वाला रिमूव होगा? अब देखिए कैसे मैं बताना आपको, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस पूरे का न्यूमान्स प्रोजेक्शन बनाऊं, न्यूमान प्रोजेक्शन आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी रखा है, पढ़ भी रखा है सर, न्यूमान प्रोजेक्शन में पहला कार्बन डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस कार्बन के साथ जो लगे हुए आपके ग्रुप्स होते हैं उनको आप इस फॉर्म में बना देते हो, ठीक है। इमेजिन करना, इमेजिन करना, ठीक है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक है, मान के चलो इसको लिख लेता हूं मैं कार्बन वन और इसको लिख लेता हूं मैं कार्बन टू, ठीक है। ये पहला कार्बन न्यूमान प्रोजेक्शन में हम दिखा देते हैं इसको कि कैसे आपका मान लो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है 3D में पॉसिबली, ठीक है। ये पहला कार्बन, पहले कार्बन को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? डॉट से। और इस पहले कार्बन पे लगे हुए ग्रुप्स लिखूंगा मैं, वे हमेशा तीन ही होंगे, पहले कार्बन पे लगे हुए ग्रुप हमेशा तीन ही दिख रहे हैं आपको, क्योंकि मैं एल्केन बना रहा हूं, मैं एल्केन बना रहा हूं, ठीक है ना। देखो ये कार्बन, ये बना लिया मैंने डॉट से। अब बताओ इस कार्बन पे क्या क्या लगा है, इस कार्बन पे क्या क्या लगा है मेरे को ये बताओ सर। इस कार्बन पे लगा एक हाइड्रोजन, दिख रहा है, दूसरी साइड Cl और तीसरी साइड CH3, दिखे तीनों ग्रुप, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक Cl, एक हाइड्रोजन और फिर इसको किसी भी हिसाब से अरेंज कर लो, यही आएगा, किसी भी हिसाब से अरेंज कर लो, ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया मैं दूसरे कार्बन पे, ये काम हो गया इस वाले का। अब आया मैं दूसरे कार्बन पे, सर दूसरे कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में, थोड़ा ध्यान में होगा, दूसरे कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, किससे? ये आ गया दूसरा कार्बन, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, देखो ये ऐसा होता है, ठीक है ना। ये पहला कार्बन ये ऐसे है, ये अगले वाला कार्बन, ये पिछले वाला कार्बन, ये कार्बन के साथ लगे हुए तीनों ग्रुप्स, अब मैं अगले वाले कार्बन के साथ भी तीन बनाऊंगा, फिर देखेंगे किस फॉर्म में होगा। इसमें थोड़ा याद दिला दूं मैं, आपने इक्लिप्स फॉर्म पढ़ा है, स्टेगर्ड फॉर्म पढ़ा है, गाच फॉर्म पढ़ा है, ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है इस वाले में। देखिए अब आया मैं सेकंड कार्बन पे, अब सेकंड कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप लगे हैं ध्यान में रखना, मुझे पता है सेकंड कार्बन पे क्या लगे, सिर्फ सेकंड कार्बन पे, उसके अलावा नहीं सर। सेकंड कार्बन पे लगे हैं दो हाइड्रोजन, दिख रहे हैं, और एक ये पूरा पूरा इथाइल ग्रुप, तीन ग्रुप लगे हैं, दो हाइड्रोजन की फॉर्म में और एक इथाइल ग्रुप की फॉर्म में, ठीक है। अब मैं यहां पे जो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, मैं ऑब्वियसली मैं मोर स्टेबल फॉर्म ही बनाऊंगा, मैं जो यहां पे बनाऊंगा वो कौन सा फॉर्म बनाऊंगा, मोर स्टेबल फॉर्म। देखिए मोर स्टेबल फॉर्म कैसे बनाऊंगा मैं, ठीक है, दो हाइड्रोजन लगे हैं, दो हाइड्रोजन लगे और एक क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप, दो हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस इथाइल ग्रुप को यहां पे बनाऊं, इमेजिन करना, अगर मैं इस इथाइल ग्रुप को यहां पे बनाऊं सर, ये इथाइल ग्रुप और इस मिथाइल ग्रुप के बीच में डाइहेड्रल एंगल बहुत कम होगा, और डाइहेड्रल एंगल कम होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जो बल्की ग्रुप है वो हमेशा बहुत दूर होने चाहिए, वो हमेशा क्या होने चाहिए, बहुत दूर, सो देट उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो, डाइहेड्रल एंगल बहुत ज्यादा होना चाहिए उनके बीच में। तो ये CH3 के ऑपोजिट में रखूंगा मैं C2H5 को, ये रख दिया मैंने इस साइड, यहां पे बना लूंगा मैं C2H5, ये है ना, ये C2H5 दिख रहा है, CH3 CH2 C2H5 C2H5 ये किस कार्बन के साथ जुड़ रखा है, दूसरे कार्बन के साथ, और क्या जुड़ा है दूसरे कार्बन पे, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन मैं यहां पे रख लेता हूं और एक हाइड्रोजन में यहां पे रख ले। तो पहली बात तो ये कि सर इनको मैंने बिल्कुल ऑपोजिट ऑपोजिट इसलिए रखा क्योंकि ये आपका फॉर्म हो जाएगा, कौन सा फॉर्म हो जाएगा, स्टेगर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, स्टेगर्ड, या इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म, एंटी कन्फॉर्मर बोलते हैं इसको, क्या बोल देंगे, एंटी कन्फॉर्मर, दिस इज कॉल्ड एंटी कन्फॉर्मर, एंटी कन्फॉर्मर, एंटी कन्फॉर्मर, ठीक है ना, एंटी कन्फॉर्मर, ये कन्फर्मेशन है। अब ये जो एंटी कन्फॉर्मर मैंने बनाया, जो स्टेगर्ड फॉर्म मैंने बनाया, सबसे स्टेबल स्टेगर्ड फॉर्म मैंने बनाया, सब पहले कार्बन पे तीन ग्रुप लगे थे, इस पहले कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, एक सीएल था, एक सीएच था, मैंने अरेंज कर दिया इसी हिसाब से, ठीक है। दूसरे कार्बन पे लगे हैं दो हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप को मैं रखूंगा मिथाइल के बहुत दूरी पे, मिथाइल से बिल्कुल ट्रांस पे, मिथाइल से बिल्कुल दूरी पे, और मैक्सिमम दूरी यही है, इधर लेके आऊंगा दूरी घटेगी, इधर लेके आऊंगा डायहेड्रल एंगल घटेगा, इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएंगे, इनके बीच का जो स्ट्रेन होगा, इनके बीच का जो रिपल्शन होगा वो बढ़ जाएंगे, टोरोजनल स्ट्रेन जिसको आप बोलते हो, टोरोजनल स्ट्रेन, इन दोनों के बीच का टोरोजनल स्ट्रेन बढ़ गया तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, ध्यान से, ये जो सीएल था,
ये इससे बेस्ट समझा जाता है इसको, ये इस बीटा एलिमिनेशन को सबसे बढ़िया तरीके से समझा जाता है साहोर्स प्रोजेक्शन से, ये सॉरी साहोर्स बता रहा हूं, न्यूमान्स प्रोजेक्शन से। किसे? न्यूमान्स प्रोजेक्शन, दिस इज न्यूमान्स प्रोजेक्शन। ठीक है, देखिए कैसे मैं बताना क्या चाह रहा हूं, बस मैं एक ही पॉइंट बताना चाह रहा हूं सिर्फ, ठीक है, बस यहां से क्लियर कर दूं। बताइए इस पूरे में रिमूव क्या होना है जब मैं इसको अल्कोहलिक QH के साथ ट्रीट करूं? सर इसमें रिमूव होना है एक तो Cl, ठीक है, ये Cl रिमूव हो गया, ये Cl रिमूव हो गया, ठीक है। अब बताइए बीटा वाले पे जो हाइड्रोजन थे, जो बीटा वाले पे हाइड्रोजन थे, बताइए बीटा कार्बन पे कौन कौन सा हाइड्रोजन? सर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना दोनों, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। सर बीटा पोजीशन से वो वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा जो हाइड्रोजन इस क्लोरीन के बिल्कुल ट्रांस एंटी पेरिप्लेनर में है, वो वाला हाइड्रोजन बीटा से रिमूव होगा जो हाइड्रोजन, इससे पहले सवाल नहीं आया लेकिन इसको ध्यान में रखना, वो वाला हाइड्रोजन बीटा से रिमूव होगा जो हाइड्रोजन इस क्लोरीन के इस हैलोजन के बिल्कुल ट्रांस एंटी पेरिप्लेनर में प्रेजेंट है। एक तो ट्रांसपोजिशन में है, एक तो कहां पे है? ट्रांसपोजिशन में है, प्लस अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये अबो द प्लेन है। एक तो ट्रांसपोजिशन में बिल्कुल अपोजिट साइड, बिल्कुल अपोजिट साइड, प्लस अगर सीएल बिलो द प्लेन है तो वो हाइड्रोजन अबो द प्लेन होना चाहिए। ये बेस्ट रिमूव होता है, बहुत इजीली रिमूव होता है, ठीक है। तो ये रिमूव हो जाएगा, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा और हैलोजन यहां से रिमूव होगा, ठीक है। और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोडक्ट तो ऊपर ही बना रहे हैं हम, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास? सो दिस विल बी CH डबल बॉन्ड CH, ऐसा ही होगा। मैंने इसको रिमूव कर दिया, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, उसके बाद यहां पे CH3 और यहां पे कौन सा ग्रुप? C2H5 इथाइल ग्रुप। प्रोडक्ट तो यही बनेगा। बस कहानी ये थी, इस पूरे में कहानी ये थी कि सर ये जो कार्बन था, इस कार्बन पे लगे थे दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये और मान के चलो एक हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से, ये यहां पे Cl और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है ना, बाकी सब सेम सेम जैसा था, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन रिमूव होगा, इसके साथ साथ में बीटा पोजीशन से वो वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा जो इसके ट्रांस एंटी पेरिप्लेनर में है, जो इसके ट्रांस एंटी पेरिप्लेनर में है, ठीक है। और इजी कर लो मैं तो इस तरीके से देख लो, इस तरीके से, ठीक है। ये मान के चलो ये आ गया आपका हैलोजन, रेड वाला हैलोजन मान के चलो, ठीक है। और यहां पे लगे हैं दो हाइड्रोजन, यहां पे कितने हाइड्रोजन है? मान लो इस वाले कार्बन पे आपके दो हाइड्रोजन है, ठीक है। ये दोनों के दोनों बीटा हाइड्रोजन, दोनों के दोनों बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। सर रिमूव कौन सा होगा? ये तो रिमूव होना ही होना है सर, ये वाला, ये जो इसके ट्रांस में है, इस हैलोजन के ट्रांस में, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है राइट साइड पे, ये वाला, ये रिमूव होगा। जैसे ये रिमूव होगा डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये रिमूव हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल। कौन सा वाला रिमूव होगा? ट्रांस एंटी पेरिप्लेनर वाला। इतनी टर्म याद रखना, इतनी टर्म याद रखना, ट्रांस एंटी पेरिप्लेनर, पेरिप्लेनर, ट्रांस एंटी पेरिप्लेनर वाला रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एक से बीटा हाइड्रोजन एक से ज्यादा भी हो, सर सारे के सारे रिमूव नहीं होते, सिर्फ कौन सा वाला रिमूव होता है? ट्रांस एंटी पेरिप्लेनर वाला, ट्रांस एंटी पेरिप्लेनर वाला। इस वाले पॉइंट को याद रखना, ठीक है ना। कंफर्मेशन ना भी ध्यान में रहे कोई मसला नहीं है, ठीक है, कंफर्मेशन पे एज सच सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। तो बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट आपका ये एल्कीन, जिसको डिसाइड करेगा सेजफ रूल या जेड सब रूल, सेजफ रूल या जेड सब रूल, ठीक है। जल्दी से करना, बताइए रिएजेंट, रिएजेंट बताइए मेरे को, एलिमिनेशन में क्या क्या होगा? एक तो अल्कोहलिक QH साधारण सा जो दे सकता है, इसके अलावा क्या दे सकता है? इसके अलावा ये दे सकता है कि सर जो अल्कोहलिक KOH दे दे, वो KOH को पहले ही अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके बनवा दे, जो बनना है अल्टीमेटली अल्कोक्साइड आयन के फॉर्म में, तो हो सकता है आपको दे दे KOET, KOR, KOR, लेकिन साथ में लिख के क्या देगा? अल्कोहल, मिथेनॉल या इथेनॉल देगा। पहली नजर मिथेनॉल पे डालना या इथेनॉल पे डालना, अगर हुआ ना तो एलिमिनेशन होगा, पहली नजर उस पर डालना, अगर हुआ तो एलिमिनेशन होगा, ठीक है, एकदम से एलिमिनेशन हो जाएगा। जल्दी करना, ये वाला मिटा दूं ऊपर वाला, ओके। चलिए सवाल कर लेता हूं, एक सवाल बना लेता हूं, देख लेना। हाउ मेनी? जी आई लिख लेता हूँ मैं, सिंपल कर देता हूँ, ठीक है ना। छोड़िए,
जी आई लिख लेता हूँ, ऑप्टिकल नहीं लिख लेता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है ना, कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, लेकिन ऑप्टिकल को इग्नोर करके। चलो मान लो अगर मैं स्टीरियो आइसोमर्स भी लिख लेता, ऐसा मान के चलो, ऑप्टिकल को इग्नोर करके पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना टफ नहीं करता कि आपको स्ट्रक्चरल भी पूछ ले, जीआई भी पूछ ले और साथ में स्टीरियो ऑप्टिकल भी पूछ ले, ठीक है। ऑप्टिकल को इग्नोर करके चलते हैं, सिर्फ जीआई पूछ लेता हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछ लेता हूँ, ठीक है। एक सबस्ट्रेट दे रहा हूँ, एलिमिनेशन करवाऊंगा और फिर आपको ये बताना है कि जो प्रोडक्ट बनेंगे उस प्रोडक्ट में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे टोटल आपको बताने हैं, ठीक है। इसको मिटा दो, अब इसको मिटा दो, ये करके बताना सारे, ओके। राइट दिस वे, सिंपल दे रहा हूं, बताइए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे या कितनी तरह के प्रोडक्ट में स्टीरियो आइसोमर्स, द टाइप ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट एक्सेप्ट ओआई, एक्सेप्ट ओआई कॉल आ रही, अच्छा बैटरी खत्म हो गई, कितनी बची, ओके okay. बताइए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे हैं, एल्कीन कितने बनेंगे होता बना लीजिए आप, ठीक है ना। एल्कीन ध्यान देना, मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछें, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं पूछें, प्रोडक्ट में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी होंगे ये तो आपको भी पता, तीन बनेंगे क्योंकि तीन बीटा लग रहे हैं अपने को, ठीक है ना। देखिए कुछ इस तरीके से, अब इसके बाद में दूंगा, फिर गलत नहीं करना, ठीक है। एक तो क्या आएगा सर, एक तो डबल बॉन्ड इधर आ सकता है, सही है, मिथाइल ग्रुप यहीं पर रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन और भैया हटना है, ठीक है। प्लस दूसरा बता दीजिए, और करके लिख लेता हूँ मैं, दूसरा कैसा आएगा ये, और डबल मोड आ जाए यहां पे, सही है ना, दूसरा आ गया ये, सही है। तीसरा कैसे आएगा, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा, डबल मोड लेफ्ट पे, मिथिल ग्रुप ऐसे ही, मिथिल ग्रुप जैसा था वैसे ही, और डबल मोड आ जाए लेफ्ट पे, सही, यही किया ना सबने, तीन प्रोडक्ट तो दिख रहे हैं, लेकिन सर अपने को ये भी तो देखना है वेदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर प्रेजेंट और नॉट, वेदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर प्रेजेंट और नॉट, ठीक है ना। आइए पहले वाले में, देखिए पहले वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे या नहीं होंगे, ध्यान से सुनना, मेरे को बताओ अगर इस पहले वाले को मैं बनाऊं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक तो जनरल तरीका ये होता है देखने का कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड जो कार्बन है उन दोनों कार्बन के जो सेम सेम ग्रुप्स हैं, अगर वो सेम साइड पे हुए तो सिस, डिफरेंट साइड पे हुए तो, लेकिन इनमें सबसे बेहतरीन तरीका यह होता है कि आप ई और जेड पता कर लो, क्योंकि हो सकता है कभी कभार ग्रुप सेम ना हो, कभी कभार ग्रुप डिफरेंट रहा हो और सेम हो जाए, ठीक है। फिर प्रायोरिटी असाइन कर लो, क्या असाइन कर लो, प्रायोरिटी, ठीक है। इसमें देखेंगे पहले वाले में, इसमें तो जी आई होगा नहीं दो, बट फिर भी देख लेते हैं, ठीक है ना। बताओ ये ऐसे है, ये है आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, दो, सही है। अच्छा इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है सर, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहां पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल C2H5, डायरेक्टली लिखो मैं, सही है ना, ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है। अब देखो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, सर ये अगले वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो ना ही एक को मैं प्रायोरिटी असाइन कर सकता हूं ना ही दूसरे को दो, इसका मतलब यहां पे जीआई नहीं होगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, याद रखना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तब होंगे जब दोनों कार्बन से साथ लगे हुए जो ग्रुप्स हो, या तो वो चारों डिफरेंट हो या सेम हो, लेकिन इस साइड सेम, अगली वाली साइड, ऐसे तो देखते हो आप कि दोनों साइड अगर सेम सेम मिल रहे हैं आपको, एक साइड एक प्लेन में तो वो सिस होगा, और अगर इन्हीं यही आपको ऑपोजिट में मिल जाए तो ट्रांस हो जाएगा, लेकिन यहां पे तो दोनों साइड सेम है। जब भी कहीं एल्कीन में किसी कार्बन के साथ दो साइड दो सेम ग्रुप मिले एक साइड पे, दो सेम ग्रुप मिले एक साइड पे, दोनों नहीं एक साइड पे, अगर इसको मैं ऐसे घुमा लेता, इस हाइड्रोजन को यहां पर बिठा देता, इस इथाइल को यहां पर बिठा देता, फिर कहानी बदल जाती, फिर कहानी बदल जाती, फिर जीआई होता, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस वाले पे आइए सर, यहां पे भी तो सेम ही कहानी है, यहां पे भी एक हाइड्रोजन और यहां पे भी एक हाइड्रोजन, सही है ना, इसका मतलब ये भी जीआई में एग्जिस्ट, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इधर आओ देखो यहां पे कहानी बदलेगी, देखना कैसे बदलेगी, ठीक है ना। बताओ इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, देखना ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सही है, ठीक है। बताओ यहां पे CH3 और यहां पे भी, ओ इसमें भी नहीं है, ओपी इसमें भी नहीं है, दोनों मिथाइल ग्रुप है, इधर भी क्या है, दोनों मिथाइल ग्रुप, और इस साइड पे एक हाइड्रोजन और एक, यह ना इसके साथ एक हाइड्रोजन भी है और एक दूसरा मिथाइल ग्रुप, सर इधर भी तो दो दो मिथाइल ग्रुप सेम मिल रहा है, इसमें भी जीआई नहीं है, इसमें भी जीआई नहीं है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर,
नो जीआई। तो कुल मिला के जो टोटल आइसोमर्स मिलेंगे वो सिर्फ तीन होंगे। वो कितने होंगे? और ये तीनों आपस में कौन से आइसोमर्स हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल में कौन सा टाइप है वो अलग मसला है। चेन आइसोमर्स की फॉर्म में आते हैं ये, या पोजिशनल आइसोमर्स की फॉर्म में भी आ जाते हैं। सिर्फ डबल बॉन्ड का पोजिशन डिफर कर रहा है, बाकी तो सब सेम ही है। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें नहीं होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो जीआई को इंक्लूड करके बोल दो तो जीआई एक भी नहीं था, लेकिन टोटल प्रोडक्ट कितने टाइप के बने? तीन टाइप के, विद नो जीआई, विद नो जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बने, ठीक है। अब मैं इसको बदल रहा हूं, अब बताना, अब बदल के बता देता हूं, अब बदल के बता देता हूं, अब बताना, ठीक है। लिख लोगे ना, मिटा दो, अब बताना, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताना, ठीक है। बताइए टोटल आइसोमर्स कितने होंगे अलोंग विद जीआई, अलोंग विद जीआई, टोटल आइसोमर्स अलोंग विद जीआई। टोटल आइसोमर्स भी बताओ, साथ साथ में अगर ज्योमेट्रिकल लग रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल भी साथ में बता दो। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के साथ में कितने टोटल आइसोमर्स जीआई को इंक्लूड करते हुए? ठीक है, जो तीन आप बनाने वाले हो मैं बना देता हूँ जल्दी से। ओके बताइए, ये तीन तो बना लिया आपने, ये तीन तो बन गए, ठीक है। लेकिन हमें साथ में क्या देखना है, क्या इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे या नहीं होंगे, क्या इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। बताइए पहले वाले में आ जाइए, जब आपका डबल बॉन्ड, ध्यान देना, जब आपका डबल बॉन्ड टर्मिनल पे हो ना तब जीआई नहीं होगा, जब डबल बॉन्ड टर्मिनल पे हो तब जीआई नहीं होगा, ठीक है। देखो टर्मिनल पे है, अब आपको पता अगर टर्मिनल पे है तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना। इफ लिख लेता हूँ मैं, इफ डबल बॉन्ड is at terminal position, double bond is at terminal position, no GI, मतलब कितनी forms में exist करेगा, जो है वही एक form, single form, if double bond is present at terminal position, then no geometrical isomers। अच्छा इधर में बताइएगा, ये तो terminal पे नहीं था, लेकिन सर इसके इस side वाले जो दोनों group लगे हैं वो तो same same ही है, ये पूरा एक group में distinguish ही नहीं कर पाऊंगा मैं, इन दोनों ग्रुप्स में डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा। यहां पे तो दो डिफरेंट लग रहे हैं मेरे को, मान लो मैं असाइन भी कर दूं प्रायोरिटी, इसको प्रायोरिटी वन कर दूं, इसको प्रायोरिटी टू कर दूं, लेकिन इसको थ्री और इसको फोर कर दूं, ऐसा नहीं है, इसमें प्रायोरिटी असाइन नहीं हो पाएगा, तो इसमें भी क्या नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें, अब बताओ इसमें, ठीक है, बताना इसमें, ध्यान से देखना, ये जो मैंने बना रखा है ये है सी डबल बॉन्ड सी, यही दिख रहा है सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है ना, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी ये बना लिया मैंने। बताओ लेफ्ट साइड पर क्या प्रेजेंट है, इस साइड एक मिथिल ग्रुप दिख रहा है CH3, ठीक है, और इसी कार्बन के साथ में एक क्या होगा, हाइड्रोजन, वैलेंसी भी तो कंप्लीट करना है, एक हाइड्रोजन, ठीक है जी, बना लिया। बताइए इस साइड पे इस कार्बन के साथ दो और ग्रुप, सर एक मिथाइल ग्रुप और दूसरी साइड साइक्लो हेक्साइल रिंग, ये साइक्लो हेक्साइल रिंग, सही है, यही है। आप क्या चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट मिले? बिल्कुल मिले, मिले ना, दोनों साइड पे डिफरेंट, दोनों साइड पे डिफरेंट, इसका मतलब आप प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं। तो बताइए अगर मैं प्रायोरिटी असाइन करूं तो ऑब्वियसली इसको प्रायोरिटी वन मिलेगा एटॉमिक नंबर के हिसाब से, इसको प्रायोरिटी वन मिलेगा, बहुत सारे कार्बन एटम, इसको प्रायोरिटी। अब जब मैं लेफ्ट में जाऊंगा फिर से प्रायोरिटी वन और टू ही असाइन करूंगा नंबर के हिसाब से, बताइए इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको प्रायोरिटी और इसको प्रायोरिटी। अब हम देखेंगे सेम प्रायोरिटी वाले कहां पे हैं, तो बताइए सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे, सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे, ये कौन सा फॉर्म आ जाता है, सिस, और इसी को आप क्या बोलते हो, सिस फॉर्म को ही आप क्या बोलते हो, मैंने याद रखने के लिए कहा था, मैंने याद रखने को आपको कहा था टी याद रखना, ठीक है ना। ऑब्वियसली दिस इज जेसमन, दिस इज जेड आइसोमर, दिस इज जेड आइसोमर, तो ये आएगा जेड आइसोमर।
अच्छा क्या इसको मैं दूसरी फॉर्म में भी बना सकता हूँ? सर बिल्कुल बना सकता हूँ। वो कैसे? ये बदलना नहीं, पोजीशन नहीं बदल सकता मैं इसका। हाँ लेकिन ये CH3 को मैं इधर लिख सकता हूँ और इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ। बताइए उस टाइम पे क्या बन जाता? ट्रांस बनता? नहीं बनता। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इसको नीचे लिख लेता हूँ, फिर ट्रांस बनता ही है। लेकिन देखने में क्या लग रहा होगा? देखो अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो लगेगा सर ये CH3 और ये CH3 ऑपोजिट साइड में है तो ये ट्रांस होगा। ऐसा नहीं होता, ये ट्रांस नहीं है, ये ट्रांस, क्योंकि अभी हम प्रायोरिटी हिसाब से चल रहे हैं, प्रायोरिटी असाइन करके चल रहे हैं। ये सिस है, इसका मतलब इसका एक और फॉर्म भी है, और वो कौन सा फॉर्म होगा? ट्रांस फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो ये कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है? दो फॉर्म्स में। कौन कौन सा? एक ई और दूसरा जेड, ठीक है ना। ये दो फॉर्म्स में, इसको मिला के नहीं, ये खुद दो फॉर्म्स में, दो फॉर्म इसके, एक फॉर्म ये तीन और एक फॉर्म ये चार, ठीक है। ध्यान रखना, गलत नहीं करना, ऐसा करोगे 1 2 3 और 2 इसके अलग से, वैसा नहीं, ये खुद दो फॉर्म्स में। कितनी फॉर्म्स में? तो इसका तीन नहीं गिनना है, दो फॉर्म सिर्फ ई और जेड, ई और जेड। तो टोटल आइसोमर्स कितने बन गए? चार आइसोमर्स। कितने? चार आइसोमर्स, जीआई को इंक्लूड करते हुए, जीआई को इंक्लूड करते हुए टोटल आइसोमर्स चार, और जीआई सिर्फ इसमें, इसके अलावा जीआई किसी में नहीं था। बताइए जरा मेजर कौन सा था इसमें से? इसमें से मेजर कौन सा था? जरा मेजर बताइए मेरे को, इसमें से मेजर कौन सा था? ये लग रहा है, ठीक है ना, ऑब्वियसली अल्फा 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 सबसे ज्यादा इसी में तो होंगे, ठीक है। ये वाला होगा मेजर प्रोडक्ट, दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये आ जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। कुल मिला के एलिमिनेशन पे सवाल हो पाएगा, तो मैं सीक्वेंस में थोड़े से सवाल बना लेता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा चलता हूँ आगे हॉफमैन्स प्रोडक्ट पे या हॉफमैन्स रूल पे, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के कंपटीशन की बात करेंगे। मिटा दूँ सबस्ट्रेट, मिटा दूँ। ठीक है, मैं सवाल बना रहा हूँ, अब मैं रिएजेंट लगा रहा हूँ, अब ध्यान देना, ये मेन चीज़ है, ये तो इजी है, तो कर लिया आपने। अब इस चीज़ को पढ़ते हुए अगर रिएक्शन पे लगाना आ गया तो समझ लो आपने पढ़ा, नहीं लगाना आया तो फिर इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसको पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं। अगर रिएक्शन पे लगाना नहीं आया, रिएक्शन पे लगाया तो समझ लो काम हो गया, नहीं लगा तो फिर बस इतना ही रट के रखोगे और इसको रट के कोई फायदा होगा नहीं जब तक ये सवालों पे ना लगे, ठीक है। लिख लिया, मिटा दूं? लिखो जी, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सी, ठीक है। अगर मैंने सी लिख दिया तो इसका मतलब रिएक्शन दो तीन स्टेप में तो होना ही है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सी, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सी, मेरे को सवाल बनाने देना उसके बाद करना। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सी, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस। बताइए, लगाइए लगाइए लगाइए, दो दो तो देख के समझ रहे हो, दो तो देख के समझ में आ रही है, ठीक है ना। तीनों आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, तीनों आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, फिर तो शानदार है, फिर तो जिंदाबाद है, ठीक है। जिनको ये पहला वाला समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत बढ़िया, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, राइट, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। कुछ नहीं होना है, इस बार भी नीट में था। इस पूरे तामझाम का मतलब ये है, इस पूरे तामझाम का मतलब ये है, ये जो आपके पास BH3 दे रखा है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की प्रेजेंस में, उसके बाद ऑक्सीडेशन करवा रखा है बेसिक मीडिया में, इससे सब कुछ, ये सब कुछ, ये सब कुछ एक डिटेलिंग चीज है, लेकिन इससे कुल मिला के होना ये है कि सर अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। याद रखना, किसका फॉर्मेशन होगा? अल्कोहल का, अल्कोहल का फॉर्मेशन, और कहां पे लगता है? डबली बॉन्डेड एल्कीन्स पे। अच्छा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब OH तो जुड़ना ही है, ठीक है। इस पूरे, ये जब भी दे रखा हो ना, मैं और सिंपल कर रहा हूं, जब भी दे रखा हो कुछ नहीं करना है, वाटर को तोड़ के, वाटर को तोड़ के दो पोर्शन को ऐड करना है, एक OH को एक H को, एक OH को और एक H को, ठीक है, दो पोर्शंस को ऐड करना, एक OH को और दूसरे H को, और सर ऐड करोगे एंटी मार्क रूल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? एंटी मार्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। बस इतना याद रखना, इस पे पूरा सवाल हो जाएगा, उतना डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ऐड क्या करना है इस एल्कीन पे? कुल मिला के OH, H तो अल्टीमेटली उसी हिसाब से ऐड हो जाएगा, और OH किसके अकॉर्डिंग चलोगे? एंटी मार्क के। मतलब मुझे बताओ एंटी मार्क के अकॉर्डिंग कहां पे जाके नेगेटिव पार्ट जुड़ता है? नेगेटिव है ना ये, या नेगेटिव वाला पार्ट है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो। बताइए इन दोनों में से ज्यादा हाइड्रोजन कहां पे होंगे? ऑब्वियसली टर्मिनल वाले में। तो मतलब आपको कुल मिला के डबल बॉन्ड को हटाना है और इधर OH जोड़ना है। अब आगे करो,
अब आगे करो, आगे करो, ए तो बना लोगे आप, ठीक है ना, ए में बना भी देता हूँ, ए में बना भी देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से आपको हटा के ओ एच जोड़ देना है, जोड़ दिया मैंने ओ एच, ठीक है, चलिए आगे बताइए अब। अब सिंपल है, अब सिंपल है, हो सकता कहीं ना कहीं प्रोडक्ट वही बने जो दिख रहा था, हो सकता कहीं ना कहीं प्रोडक्ट वही बने जो सबस्ट्रेट था, ठीक है, टू इन लग रहा, देखते हैं, ठीक है, शाबाश, इसके बाद बताइए, इसके बाद बताइए पीबीआर थ्री के साथ ट्रीट करने में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन सिंपली, कल भी कर रखें कितने सारे सवाल, ओएच हटेगा और क्या आएगा, ओएच हटेगा और बीआर आएगा, ये वही है पीसीएल थ्री वाला केस, ठीक है ना, बना रखा है, ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है, देखिए इस तरीके से ये क्या हटा, ओएच हटा और क्या आया, बीआर आया, ठीक है ना, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो रीअरेंजमेंट करना मत, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, जिधर है उधर से हटा के लगा दो, आ गया बीआर, अब बताइए उसके बाद क्या लगा रखा है, एल्कोहलिक के ओएच क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है ना, बताइए ये हटना है बीआर और साथ में बीटा पोजीशन, बीटा एक ही, अब बीटा एक ही है, बीटा पोजीशन ये वाली, यहां से हाइड्रोजन हटा दूंगा मैं, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेगा, ये लेके भाग गया, ठीक है ना, बताइए इस तरीके से, ठीक है, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, यहां पे बनेगा, बीच में मत बनाना, गलती नहीं करना, ठीक है ना, यहां पे बनेगा, ये यहां पे तब बनता जब ये इधर होता, ठीक है, तो क्या ये दोनों सेम नहीं है, जो सबस्ट्रेट था वही प्रोडक्ट, जो सबस्ट्रेट था वही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा सोचो, मान लो जब नहीं आ रहा एग्जाम में तो कोई तुक्का मार ले कि अगर ये दे रखा है तो हो सकता प्रोडक्ट तो ऐसा बनना नहीं चाहिए, प्रोडक्ट इसके अलावा ही कुछ और बनेगा, वैसा ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना, जो सबस्ट्रेट है वही प्रोडक्ट में भी बन रहा है, बहुत बढ़िया, ये याद रखना, बताइए इस बी एच सी एल्कोहल में भी आएगा वापस, बट ध्यान में रख लो, बी एच थ्री टी एच एफ और इन प्रेजेंस ऑफ या इसके बाद फॉलोड बाई ऑक्सीडेशन विद हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बेसिक मीडिया, दिस इज यूज्ड फॉर HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन कुछ भी नहीं करना है, सबस्ट्रेट एल्कीन होगा, आपको सिंपली OH जोड़ना है एंटी मार्क के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी लिखता है कि मार्कोनी को फ्रूल के अगेंस्ट ये काम होता है, ठीक है, उसके बाद PBr3 पता है, PBr3 का काम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आगे वाला ही काम हो गया, ठीक है ना, कुल मिलाकर आप सवाल इस पे बना सकते हो, तो एक और बता दीजिए, एक और बता दो, ठीक है, ना एक कम थोड़ा अलग बना लेता हूं, ओके, शानदार सवाल है, बहुत बढ़िया, ठीक है, लगाइए हिसाब किताब और बताइए क्या लग रहा है, ये और ये तो देखने में समझ में आ गया, ठीक है ना, पिछले वाले में थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, क्या बनेगा, शाबाश, ओके, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, एक्सीलेंट, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना, LiLH4 इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस कीटोन्स इनटू 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना, ये H3O पॉजिटिव साथ में ही हाइड्रोलिसिस के लिए, इसका कोई अलग से काम नहीं है, ठीक है, ये किस लिए यूज होगा, LiLH4 मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको भूलना मत, ये कीटोन्स को रिड्यूस कर देता है, ये कीटोन्स को रिड्यूस कर देता है 2 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से CNOH, बस इसका काम याद रखना, इसका काम याद रखना, अच्छा कल भी इसका एक काम था, मैं वापस बता दूं, अगर मैं इसको अल्काइल हैलाइड पे लगाऊं तो बताओ क्या करता, अगर अल्काइल हैलाइड पे लगाता, हैलोजन को हटा के हाइड्रोजन बिठा देता, हाइड्राइड बिठा देता, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एल्केन बनता, क्या बनता, एल्केन बनता, ठीक है, लेकिन ये काम करता है सिर्फ इस पे, एक और बात ध्यान में रखना, ठीक है ना, मान लो मैं ऐसा लिख लूं, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इधर लिख लूं मैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और इधर लिख लूं मैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है, और फिर इन तीनों पे लगा लो मैं क्या, LAH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और यहाँ पे भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है सर, इधर क्या कर देगा, एल्केन बना देगा, एल्केन, ठीक है ना, X को हटा के H नेगेटिव बिठा देगा, इधर भी क्या बिठा देगा,
एल्केन बिठा देगा और इधर पे रिएक्शन नहीं होता. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स आर अनइफेक्टेड बाय LaLH4. दिस आर अनइफेक्टेड बाय LiAlH4 बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंसेस, बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंसेस. तो 3 डिग्री अल्कोहल रिड्यूस नहीं होते, याद रखना. बाकी रिड्यूस हो जाएंगे. 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिड्यूस हो जाएगा, एल्केन में 2 डिग्री भी रिड्यूस हो जाएगा, बट 3 डिग्री पे इफेक्ट नहीं होता. इसको भी लिख लेना साथ में, इसको भी लिख लेना साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी साथ में लिख लेना, ठीक है. तो बताइए पहले वाले में क्या बनेगा. व्हाट इज द प्रोडक्ट ए? सर द ए प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल. दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल. कुछ भी नहीं करना है, जहां पे भी डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड ओ को हटा के OH लगा दो. बस डबल बॉन्ड ओ को हटा के OH लगा दो. तो बताइए क्या ए प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से 6 मेंबर का रिंग, ठीक है. यहां पे क्या आ जाएगा सर? यहां पे आ जाएगा OH. यहां पे क्या आ जाएगा? OH, सिंपली OH आ जाएगा यहां पे, ठीक है. आ गया OH. अच्छा उसके बाद सेम दे रहा हूं मैं फिर से, PBr3 के साथ ट्रीट कर दिया, कुछ नहीं होना, OH हट के क्या आना है? तो बताइए यहां पे क्या जुड़ जाएगा? कुछ इस तरीके से ये आएगा डबल बॉन्ड और ये आएगा Br. ये क्या आएगा? Br. इस बार जो नीट में पूछा था इधर से आगे था, यहां से स्टार्ट किया था मैंने, पीछे ऐड कर दिया और उसने यहां से स्टार्ट किया था, ये पूछा था, ठीक है. मगर इधर टफ नहीं किया था, इधर सीधा अल्कोहलिक OH लिखा था, इधर सीधा अल्कोहलिक OH लिखा था, ठीक है ना. बताइए बन गया ये. अब बताइए ये लगा रखा है, सर इसका काम क्या? बीटा एलिमिनेशन, ठीक है ना. अब बीटा एलिमिनेशन होगा, मेजर बनाना है आपको. बताइए मेजर कहां से बनेगा? ये Br हटाऊंगा. अब आपको भी पता है एक तो डबल बॉन्ड इधर आना है या तो इधर आना है, और जब इधर आएगा तब ज्यादा स्टेबल होगा. क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा. तो क्या C कुछ इस तरीके से बनेगा? ये आ गया इस तरीके से यहां पे, दिस इज Br, ठीक है. ये मिथिल ग्रुप जैसा था वैसे ही, मिथिल ग्रुप सेम, सॉरी Br हट गया ना, Br हट गया ना, ठीक है. यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है. इस बार भी था, ये इस बार भी था नीट में, ठीक है, इसको ध्यान में रखना. इस बार भी नीट सवाल, सवाल नीट में इस पे था. तो ये मेजर प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा अल्कोहल, ठीक है. दूसरे स्टेप में आ गया सब्स्टिट्यूशन, सिंपली सब्स्टिट्यूशन आ गया, OH हट के Br आ गया इस वाले में. अच्छा ये बेसिकली होता क्या है ना, ये जो LiLH4 है ना, ये खुद से नहीं हटता है, ये जब अटैक करता है इसमें मैकेनिज्म चलता है, पूरे मैकेनिज्म के थ्रू अटैक करता है. उसको हटाने के लिए बाद में हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, ये हाइड्रोलिसिस करना है, ये हाइड्रोलिसिस किया जाता है अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट करने के लिए, अल्टीमेटली OH में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है. ये जब भी यूज होता है ना, साथ में H3O पॉजिटिव दिया होता है, याद रखना इसको. ये जब भी रिड्यूस करने के लिए यूज होगा, साथ में H3O पॉजिटिव दे रखा होगा, एल्डिहाइड पे लगाएं या कीटोन पे लगाएं या आपके एस्टर्स पे लगा दे, तब ये साथ में दे रखा होता है, ठीक है. हाँ इसका अलग से काम नहीं होता, कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, सर इसका पता नहीं कुछ और काम तो नहीं है, इसका कुछ और काम तो नहीं है साथ में. जैसे पिछले वाले में मैंने BH3THF लिखा था और बाद में सबका काम एक ही था, मिलके काम एक ही था, कलेक्टिवली काम उनका एक ही था, ठीक है ना. बताइए कर पाएंगे आप ये हो पाएगा, ठीक है. एक लास्ट बता दीजिए फिर, एक लास्ट बता दीजिए. ओके ठीक है, मिटा दो. ये कंप्लीटली अल्कोहल्स में रिड्यूस नहीं करता, वो LiLH4 जो था ना तेरा, वो पूरा का पूरा उसी के साथ कंबाइन रहता, हाइड्रो डोनेट करने के साथ साथ में, मतलब पूरा एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता, वो अल्टीमेटली अल्कोहल में रिड्यूस नहीं हो पाता, ठीक है. अच्छा ये बता दीजिएगा अब सवाल मैं थोड़ा अलग टाइप से कर रहा हूँ, सवाल को मैं एक ही लाइन में खत्म कर रहा हूँ, ठीक है. मेरे को बनाने देना पहले. ओके ओके
ठीक है, सवाल की मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज बदली है, हमें पहले ए बी सी डी करके लिख रहा था, अब मैंने कुछ नहीं किया, सेमी लिखा, बस एक ही में सारे खत्म कर दिए। इसका मतलब पहले इसको इसके साथ रिएक्ट करना है, जो बनेगा उसको इसके साथ, जो बनेगा उसको इसके साथ, जो बनेगा उसको इसके साथ, ठीक है, और फिर फाइनल प्रोडक्ट देना आपको, फाइनल प्रोडक्ट देना, वो तो देख के भी समझ में आएगा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनेंगे तो डाइहैलाइड्स, बनेंगे तो विसिनल डाइहैलाइड्स बनेंगे, ठीक है, वो तो साथ में देख के समझ में आ जाता, लास्ट में देखे, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपके पूरे प्रोडक्ट सारे एक सारे विसिनल डाइहैलाइड बनाए हों, फिर समस्या पड़ जाती है, ठीक है, तो वन बाय वन कर लीजिए, वन बाय वन देखते हैं कौन कर पाएगा सबसे पहले। बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल, देखते हैं सबसे पहले कौन कर पाएगा। ओपी कीजिए, आराम से कीजिए, सारी रिएक्शंस पढ़ रखी हैं, एक भी बाहर से नहीं घुमाया मैंने, ठीक है, जल्दी से अली बकर जल्दी बता प्रोडक्ट बना के, इसको बोलते हैं हिप हॉप, हिप हॉप, जल्दी कर, डेड है, कितनी आई, लेस देन 10%, वो एक सवाल हो जाएगा, 5% है, जल्दी करना, मैं बता दूं क्या, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो जाएगी, ठीक, तुम लोग भी ट्राई कर लेना साथ में, ठीक है, तब तो बैटरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा बताइए, सबस्ट्रेट आपके पास अल्कोहल दे रखा है, ट्रीट कर रहा हूं मैं HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, किस मैकेनिज्म से जाएगा, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, राइट आ रहा हूं, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, होना कुछ भी नहीं है, आना तो Br है, लेकिन सर उससे पहले होना ये कि OH हटेगा, सर जैसे ही OH हटेगा इस पोजीशन पे जाके पॉजिटिव चार्ज लगेगा, क्या ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से, यहां पे क्या है CH2, मैं ऐसा लिखूं अब इसको CH2, और इस पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, सही है यहां तक, ये पॉजिटिव चार्ज कौन से डिग्री का, ये पॉजिटिव चार्ज कौन से डिग्री का, 1 डिग्री का, लेकिन सर इसमें रीअरेंजमेंट करके हम इसको 2 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर दूंगा, यहां से मिथाइल शिफ्ट कर दूंगा, ये जो मिथाइल शिफ्ट मैं यहां से यहां करूंगा, ये जो 1 2 मिथाइल शिफ्ट करूंगा, यहां से मैंने कर दिया 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, सर आफ्टर 1 2 मिथाइल शिफ्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाई डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन, बताइए हाई डिग्री कार्बोकेटाइन कौन सा बन जाएगा, सर कुछ इस तरीके से, यहां पे CH2 था, अब यहां पे बन गया आपका CH2 और साथ में आ गया एक मिथिल ग्रुप, जोड़ दिया मैंने इधर, इसको दिख रहा है सामने, ये पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप उधर जोड़ दिया और पॉजिटिव चार्ज आ गया इस सेंटर पे, बताइए कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन बन गया, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन, जिसको इस तरीके से थोड़ा समझ में नहीं आ रहा वो CH2 करके लिख ले, इसको मान लो ना बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में समझ नहीं आ रहा हूँ, CH2 करके लिख ले, ठीक है, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, अब बताइए इसी पॉजिटिव चार्ज पे आके कौन जुड़ेगा, Br, कौन जुड़ जाएगा, Br जुड़ेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, और यहां पे आके कौन जुड़ गया, Br जुड़ गया, यहां पे आके जुड़ गया Br, सही है ना, जुड़ा ना Br यहां पे आके, ठीक है, ये बन गया आपका ए प्रोडक्ट, ये वंस के साथ रिएक्ट करके। अच्छा उसके बाद इस Br में, इसके बाद इस पे क्या कर रहा हूं मैं, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन सिंगल चेन रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज मेथड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन